Hey guys, again welcome to my channel. I am Janisha. So today we are going to meet Gavin. I think you all watch Home Alone. In that movie, he playing a Kevin role. So today we are going to meet this, and this is my next drawing that coming soon. I also made video for it. So if you're not subscribed, so go and subscribe my channel. And today I'm using Faber-Castell pencil colors that I purchased before lockdown. Yes, it's too old now, but this I purchased in lockdown. It's skin color tones. So let's see. Okay, this skin basically. Today I show you how to use it. Okay, and this I made a manner of sketch banaye. So dekhte hain kaise pencil color honge. Abhi maine aapko dikhaya to tha aage. तो चलो देखते हैं. दिस इज रियल लुक ऑफ दिस पिक्चर. एंड नाउ स्टार्ट. इफ यू नॉट सब्सक्राइब माय चैनल सो गो एंड सब्सक्राइब इट. लेट्स स्टार्ट. स्किन टोन वाली कलर यूज़ कर रही हूँ पूरे फेस के लिए. हैंड्स के लिए सिर्फ मैं वो यूज़ करने वाली हूँ, और जो Faber-Castell वाले थे वो सिर्फ मैं क्लॉथ्स के लिए यूज़ करूँगी. तो आप पूरी वीडियो देख रहा आपको पूरा समझ आएगा.
आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो जाके लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और देखते रहो। तो अभी हम कर रहे हैं स्किन टोन, जो आइस के बिल्कुल नीचे का होता है, तो आइस के ऊपर नीचे सारी जगह कर रहे हैं भाई। और आईब्रोज़ भी बनानी है अभी तो। और नोज़ मैं माउथ सबसे एंड में ही करती हूँ हमेशा। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैंने माउथ क्यों नहीं करा, तो माउथ में एंड में करती हूँ क्योंकि मेरे को बिल्कुल करना पसंद ही नहीं है वो बनाना सबसे पहले, कि मेरे को लगता है कि अगर मैं वो पहले बनाऊँगी तो मेरा ख़राब हो जाएगा पूरा, इसलिए वो मैं सबसे एंड में बनाती हूँ हमेशा। तो आप देखते रहो कि कैसे बनाते हैं। अभी नोज़ अभी पहले पूरा यहाँ का हुआ नहीं है, पहले वो करना पड़ेगा, उसके बाद नोज़ बनेगी। तो हाँ, मैं सबसे पहले आइज़ बनाती हूँ, फिर नोज़ थोड़े घंटों के बाद, फिर माउथ सबसे एंड में। तो आप देखते रहो। अभी भी आइज़ ही करने, जब तक ये पूरा नहीं होता आप म्यूज़िक इन्जॉय करो और इसे देखते रहो, आपको देखने से ज़्यादा पता चलेगा कैसे करते हैं। हैंड के साइड में जो है अभी डार्क शेड लगेगी, इससे वो हैंड ना थोड़े ऊपर उठ के आ जाएंगे, क्योंकि अभी वो दबे दबे से लग रहा है, ऐसा लग रहा है उसके अंदर मिक्स है। तो उन्हें उठाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम साइड साइड में डार्क करें। आइस के ऊपर नीचे भी डार्क शेड लगेगी यार, तो उसी भी करती है। लोग वीडियो बनाने नहीं देंगे, बहुत शोर करते हैं सच में। मन कर रहा है एक साइन बोर्ड लगा दूं बाहर, वीडियो बनाने दो भाई मेरे को।
तो हम फाइनली अब नोज़ कर रहे हैं। तो इसमें मैं बीच का ना मेनली लाइट आ रही है, जिस साइड लाइट आ रही होती है ना उस साइड ना मतलब या तो वाइट छोड़ दो या लाइट कर दो, ठीक है, डार्क मत करो ज़बरदस्ती का, क्योंकि लाइट छोड़ दोगे तो तुम बाद में डार्क कर सकते हो, पर एक बार डार्क कर दिया तो बहुत मुश्किल से लाइट निकलेगी भाई मेरे, फिर तो तुम्हें रेज़र से खींचना पड़ेगा, इसलिए नेचुरल लाइट के लिए वाइट छोड़ दो पेज, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो ईयर्स, यार ईयर्स करने भी नहीं पसंद वैसे मेरे को, पर ठीक है, ईयर्स में क्या है, हमें बिल्कुल लाइट लाइट पहले करो, देखो भाई कहाँ से लाइन जा रही है, क्योंकि इसमें ना फोल्डेड होते हैं ना तो डार्क शेड बहुत आती है ईयर्स में, पर ऐसा नहीं है कि दोनों दोनों साइड के तुम ईयर्स डार्क कर दो बिल्कुल लाल लाल, भाई नहीं, एक साइड देखो इसकी, एक साइड ना वो आ रही है रोशनी, तो उसकी वजह से उसका एक साइड जो फेस है ना पूरा उसके ईयर्स को मिलाकर वो चीज़ लाइट आएगी, और एक साइड वाला फेस उसका डार्क आएगा उसके कंपैरिजन में, और ईयर्स उससे भी ज़्यादा डार्क आएंगे, क्योंकि ईयर्स जो है पीछे की साइड होते हैं थोड़े, तो इसकी वजह से वो और डार्क आते हैं, और इसलिए ये जो मैं इस साइड वाली कर रही हूँ यहाँ पे बिल्कुल भी मतलब लाइट ज़्यादा नहीं आ रही है, तो इसलिए यहाँ का डार्क होगा और इधर का लाइट होगा इसके मुकाबले, तो देखते रहो आपको समझ आएगा कंपैरिजन इसमें क्या मतलब कैसे होगा क्या करना है, और बिल्कुल धीरे धीरे ही करो यार, मतलब ज़्यादा जल्दी क्या है। ये ड्राइंग मैंने 2 घंटे या 3 घंटे में बनाई है टोटल बताऊँ तो, वैसे मैं ड्राइंग करती नहीं हूँ ज़्यादातर, धीरे ही करती हूँ मैं आराम आराम से, और अब भी मैंने बहुत दिनों के बाद वीडियो डाली है क्योंकि मेरे एग्ज़ाम थे, पर वो एग्ज़ाम बार बार पोस्टपोन हो जा रहे हैं आपको तो पता ही होगा, 12th क्लास करने यही कर दिया है, पोस्टपोन ही करे जा रहे हैं एग्ज़ाम जब से, तो अब वो फिर से पोस्टपोन हो गया, तो मैं सोचा चलो डायरी देते एक वीडियो, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, मेरा पूरा फ़ोन मतलब पूरे फ़ोन से सब कुछ उड़ गया, वो वीडियो भी उड़ गई, इतनी ढूंढने की कोशिश करी ना पर मिली नहीं वो मेरे को, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं ऐसे ही काम चलाते हैं, तो फिर अब मैंने फिर ये दूसरी बनाई है अभी जल्दी में, वरना वो तो मैंने करीबन उसमें 3 दिन हो गए थे मेरे को, मैंने इतनी बड़ी रिकॉर्ड कर ली थी, मैंने पूरे महल की बनाई है वो,
पर वो पूरी उड़ गई है अभी। फिर भी मेरा थोड़ा बहुत रहता है महल, तो देखते हैं आधा महल बचा है तो सोच रही हूँ उसमें आधी महल की बना लूँ। अब बताना आप कि मैं बनाऊँ या ना बनाऊँ, या फिर से बनाऊँ पूरा ड्रॉ करूँ उसको फिर बनाऊँ, क्योंकि बहुत मेहनत लगी थी उसे बनाने में। तो चलो अब देखो, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डार्क है और उस साइड लाइट, और इधर के फेस में भी थोड़ा डार्कपन है इधर के हिसाब से। आईब्रो के ऊपर छुप चुकी है क्योंकि बालों में छुपी हुई है, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं दिखाया उसे अभी इस वक्त। जब हेयर्स करूँगी जब भी देखना कि वो थोड़ा दिखेगा आपको कि हाँ हेयर्स में कुछ छुपा हुआ है, तो देखते रहो। अब या तो हैंड करते हैं या माउथ करें, पहले क्या करें जल्दी बताओ, आपके पास टाइम नहीं है। एंड में भी वही होगा यार, एक साइड डार्क एक साइड लाइट। और मैंने शेड दे दिए देखो हैंड में, थोड़ा थोड़ा अभी ऊपर उठ रहा है, पर अभी थोड़ी और देनी पड़ेगी जिससे वो पूरा और अच्छे से उठ जाए। और अभी माउथ भी करना है ना, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा छेड़ा नहीं वो वाला स्पेस, पहले माउथ करूँगी उसके बाद उसमें डार्क करते हैं, देखते हैं कैसा आएगा निकल कर। और मेरे से तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं बाद में देखती हूँ कि कैमरा ऑफ है, मतलब बहुत हुआ है मेरे साथ ऐसा, और इसलिए मैं बार बार चेक करती रहती हूँ चल रही है ना वीडियो, चल रही है ना। चलो देखते रहो भाई। इस वीडियो को ना मैंने ज़्यादा फास्ट नहीं रखा है, मैंने सोचा है कि धीरे धीरे बनाऊँ तो आपको भी ना अच्छे से दिखे कि मतलब क्या चीज़ कैसे करनी होती है, क्योंकि जब तेज़ वीडियो बना दो कुछ समझ ना आए सामने वाले को तो क्या फ़ायदा। इसलिए मैंने बिल्कुल धीरे धीरे काम करी नहीं, मैंने स्पीड तेज़ नहीं करी वीडियो की, जितनी उतनी रहती बस हल्की फुल्की थोड़ी बहुत बढ़ाई है, कि वैसे तो फिर तो आराम से वीडियो बहुत लंबी जाती भाई, 2 घंटे की तो आराम से होती, तो मैंने बड़ी मुश्किल से इसे 1 घंटे के अंदर डाला है, वो भी बहुत उसका भी एक थोड़ा सा पार्ट रह गया इसमें लास्ट में ना, देखना आप और बताना कि अगली मैं ड्राइंग कौन सी बनाऊँ। अभी एक तो मैं बना रही हूँ, उसके बाद क्या बनाऊँ उसके लिए कुछ सजेस्ट करना कि आपको किस पे चाहिए, और
और कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन पे डाल देना, और मेरा एक इंस्टाग्राम चैनल है उसे जाकर आप फॉलो कर लेना, जैनिशा नाम से है वो, जैनिशा आर्ट्स मेन उस नाम से। वैसे तो बहुत सारे चैनल हैं पर वो मेरा मेन है आर्ट्स का, तो आप उसे जाके कर लेना फॉलो। तो फाइनली हम दूसरे हैंड पे आ चुके हैं, और मैं जैसे कहा माउथ पे एंड में करूँगी तो एंड में ही करेंगे भाई। और अभी देखते हैं क्या करना है, हेयर्स भी करने हैं अभी, तो हेयर्स भी करते हैं और इसकी क्लॉथ भी करते हैं। और फिर से मैं कह रही हूँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जाके लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और इसी तरीके से मेरे को सब्सक्राइब कर रखो और अच्छी वीडियो के लिए, और सजेस्ट करते रहो कि मेरे को क्या करना चाहिए और जिससे और अच्छे से वीडियो बने, बताते रहना भाई आप लोग।
साइड के ना अभी शेड भी देनी है, और ये जो है इसे भी थोड़ा डार्क करना पड़ेगा कि बहुत लाइट हो रहा है उस वाले हैंड की कंपैरिजन में, तो इसे भी डार्क करते हैं जल्दी से पहले, और उसके बाद साइड में देते हैं, क्योंकि वो वाला हाथ तो उठ गया है, देखो थोड़ा दिख लग रहा है कि नहीं, क्योंकि ऊपर उठा हुआ है वो, उसकी शेडो आ रही है नीचे, तो इसलिए वो लग रहा है, पर ये वाला भी बिल्कुल चिपका हुआ है, तो इसे और उठाना पड़ेगा एक बार पहले, तो पहले इसे भी उठाते हैं, उसके बाद माउथ करते हैं, चलो माउथ ही कर लेते हैं इसके बाद। आप मेरे को लगता है आप शायद माउथ देखने के लिए बैठे हैं जब से, इसके दांतों में बिल्कुल कैविटी नहीं लगी गाइस, पर फिर भी इसने बहुत चॉकलेट खाई है। चलो करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं, देखो अब मैं मतलब बिल्कुल साइड में कर रही हूँ कि इसको डार्क तो करना पड़ेगा, पर ये नहीं है कि आप सीधा ब्लैक कलर से डार्क कर रहे हो, नहीं भाई नहीं, ब्लैक कलर तो मतलब बहुत कम यूज़ करना होता है, आपको कोई ऐसा कलर लेना है स्किन टोन का ही ले लो, कोई डार्क कलर ले लो यार, उससे करो, फिर धीरे धीरे करके मतलब करो। ब्लैक तो मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करने वाली कि लगाओ ब्लैक, ब्लैक लगाना है तो बिल्कुल एंड में लगाओ, अगर आपको कुछ लगता है कि नहीं यहाँ पे और डार्क होगा और कलर से नहीं हो रहा है तो लगाओ, वरना तो मत ही लगाओ, क्योंकि ब्लैक जो है ना पहले लगा दोगे तो वो सब कुछ ख़राब कर देता है, सच बताऊँ तो इसलिए से एंड में ही लगाना चाहिए, तो हमेशा से एंड में ही लगाओ, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। और चलो करते हैं आगे का, तो फाइनली हम माउथ कर रहे हैं, और माउथ के लिए मैं ये वाले कलर देख ही लिए होंगे अपने, ये यूज़ कर रही हूँ क्योंकि माउथ में स्किन टोन अच्छा नहीं लगेगा, तो इसके लिए ये वाले यूज़ करते हैं। और इसमें जैसे कि अभी अंदर जब करना होगा, देखते रहो आपको समझ आएगा, मैं बताती हूँ। पहले तो मैंने अभी लाइट पिंक करा था इसके ऊपर, अब मैं रेड कर रही हूँ इसके ऊपर, जिसके लिए मैंने देखो यहाँ पर छोटी छोटी जगह छोड़ दी है मैंने वाइट वाइट, क्योंकि
माउथ पे, यार आप देखते होंगे सब माउथ पे वाइट रेड छूटा होता है, तो उसके लिए ना आप अलग से वाइट लगाते हो ऊपर से, तो वो चीज़ ना सही नहीं लगती, मतलब थोड़ा नेचुरल लुक नहीं आता। तो अगर नेचुरल लुक चाहिए तो जगह छोड़ दो। मैंने अभी आपको आगे भी बताया था ये बात, अभी आगे बताई थी यही सेम बात, तो उसके लिए जगह छोड़ दो, वो ज़्यादा सही लगता है। और जैसे कि माउथ तो आपको पिक्चर के हिसाब से पता चलेगा कि उसमें क्या करना है क्या नहीं। और बाकी देखो अभी इसके जो साइड में है ना, मतलब यहाँ के साइड ना, नीचे की कैसे बताऊँ मैं, वहाँ पर डार्क होगा क्योंकि ऊपर की साइड तो रोशनी आ रही है, मतलब लाइट शेडो, सो नीचे की साइड डार्क ही होगा आपका। और अभी जो माउथ इसको ओपन है उसके हिसाब से, मतलब सब कुछ इतना भी सही होना चाहिए टोटल, सच बताऊँ तो, कि आपके आईज नोज़ सबका मेजरमेंट सही होना चाहिए, क्योंकि दो आईज के बीच में एक आईज का पूरा गैप होता है, तो उसके हिसाब से आप देखना चाहिए कि आपको सही बन रहा है नहीं बन रहा, ढंग से पिक्चर को देख कर देखा करो कि क्या है उसमें, वैसे करने की कोशिश करो, आ जाएगा आपका भी। मेरा बहुत लगता है टाइम पर आ जाता है। देखो मैंने अंदर भी सीधा ब्लैक नहीं करा है, मैंने अंदर पहले पिंक करा है, अब मैं रेड कर रही हूँ, फिर इसे एक और कलर से डार्क करूँगी, उसके बाद सबसे एंड में ही अगर मेरे को ज़रूरत पड़ेगी तो करूँगी मैं ब्लैक, वरना सबसे पहले ही ब्लैक कर दो तो कुछ फ़ायदा नहीं है। अभी मैंने मैरून करा है अभी, क्योंकि ऐसे ही करती रहो। और इसके ऐसे टीथ में है ना, जो उसमें ना थोड़ा फ़ोटो में भी इसमें ब्लू और येलो की थोड़ा बहुत वो आ रही है, तो इसलिए हम वो भी करेंगे, जिससे ना वो येलो की यार सी टीथ ज़्यादा दिख तो नहीं रहे हैं, पर फिर भी दिखाना तो पड़ेगा, इसलिए मैंने पहली वहाँ वाइट छोड़ दी, मैंने करा ही नहीं कलर कोई भी अभी। अब इसके ऊपर करेंगे थोड़ा बहुत जो करना होगा, तो आप वीडियो तो देखते रहो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार जाके सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड लाइक कर देना इस वीडियो को, और सपोर्ट करो मेरे चैनल को। अभी नया नया ही है, ज़्यादा वीडियो नहीं आई, तो बताओ कि क्या करूँ क्या बनाऊँ और नया कुछ। तो अब इसके बाद हम हेयर्स करते हैं, चलो बने रहिए आप।
मेरे साथ बहुत बड़ा, मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं वीडियो ऑन करना भूल जाती हूँ, मैं बना लेती हूँ उसकी। मैंने अभी अभी देखा कि मैंने वीडियो ऑन नहीं कर रखी थी और मैंने इतना हेयर का पार्ट कर लिया था। तो चलो देखते हैं, इसमें मैं बता देती हूँ क्या करना है। कि पहले तो आपको बिल्कुल लाइट ही करना होता हमेशा, जैसे कि जिस कलर के हेयर है उसमें जैसा आपको दिख रहा है। तो पहले येलो टोन दिख रही थी मेरे को उसमें, मैंने वो करी। उसमें धीरे धीरे मैंने देखा रेड की टोन आ रही है, उसमें ब्राउन की टोन आ रही है, डार्क ब्राउन की टोन है, थोड़ी मैरून सी टोन है। तो उस हिसाब से करते जाओ और वाइट का भी यूज़ कर लो थोड़ा बहुत, क्योंकि इसमें होता है कहीं कहीं पर यूज़ करना पड़ता है। अभी मैंने एक जगह पर मैं लाइट देना, स्पेस देना भूल गई, तो अभी वहाँ पर इरेजर से ही रब करना पड़ेगा। और थोड़े बहुत हेयर्स को ना थोड़ा वैसे दिखाओ, थोड़ा अपने आप से लाइनें वाइनें मार दो हेयर्स के अंदर, इससे लगे कि हाँ वो हेयर्स आपके चुपके चुपके ना लगे ज़्यादा। और हेयर की भी शेडो देनी चाहिए। अब मेरे को ब्लैक करना ही पड़ेगा क्योंकि और कोई कलर इस पर चल नहीं रहा है, तो इसलिए ब्लैक से इसे डार्क करना पड़ेगा। और अभी मैंने यहाँ पे मैं ब्लैक कर रही हूँ, इसकी बिल्कुल जिस साइड में लाइट की टोन आएगी तो यहाँ पे भी रब करना पड़ेगा, जो मैं भूल गई थी रब छोड़ना पहले, तो अब करना पड़ेगा। और इसकी ड्रेस बनानी है अभी, तो पहले हेयर्स में भी एक जगह और आएगा, वहाँ भी मैंने छोड़ा था पर वो रह गया, पता नहीं भूल गई मैं। और अभी चलो पहले हेयर्स करते जल्दी से। तो यहाँ पे जो है ब्लैक की टोन लगाई है मैंने, और देखो हाईलाइट भी अभी रेजर से रब करे थे, थोड़ा बहुत सही लग रहा है, मतलब दिख रहे हैं वो। अभी थोड़े और कर देते हैं उन्हें कि वो और अच्छे से दिखे। और ऐसे ही देखते रहो वीडियो को। और अब इसकी ड्रेस बची है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे रेड कलर और मेहरून, क्योंकि वो डार्क डार्क बहुत साइड है, और वाइट भी थोड़ा सा, ब्लैक तो होगा ही होगा उसमें यूज़, क्योंकि उसमें बहुत जगह डार्क आ रहा है, तो उसके लिए हमें वो यूज़ करने पड़ेंगे। इधर येलो दिख रहा था इसलिए करा मैंने। आप यूज़ कर सकते हो हेयर में वाइट, क्योंकि इधर हाईलाइट के लिए
इसमें तो सिंपली रेड और वो भैरून यूज़ करने वाले हैं ब्लैक, क्योंकि इसकी शेड बहुत ज़्यादा आ रही है उधर। और यहाँ पे अभी नहीं, इसमें ब्लैक से मतलब डिज़ाइन बना हुआ है तो उसी से बनाना है डिज़ाइन आपको। जहाँ ब्लैक दिख रहा है ब्लैक कर दो। ड्रेस का तो मेरे को नहीं लगता इतना कुछ है, तो आप आराम से ड्रेस बना सकते हो। सिंपली यार ड्रेस तो बन जाती है सही तरीके से। और अगर भाई लोगों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो जाके लाइक कर दो चैनल को, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, एंड सपोर्ट करो, शेयर करो चैनल को। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसे जाके फॉलो कर लो मोर अपडेट्स के लिए। और कोई भी नई ड्राइंग ट्यूटोरियल या कुछ भी आपको चाहिए तो उस पर बताओ कि हमें इस पर चाहिए, ये चाहिए, और मेरे को सजेस्ट करो कि और क्या करना चाहिए। और नई ड्राइंग बहुत जल्द आने वाली है तो बेल आइकन भी दबा दो कि आपको पता रहे कि वो कब आएगी। इसी तरीके से करना है, ये पूरा मैंने आपको करके दिखाया है। इसमें जैसे कि यहाँ पे बहुत डार्क शेड आएगी वो कर दो। पहले तो यार रेड ही करना है, सिंपल पूरे में रेड कर लो, उसके बाद कर लो चाहे मैरून तो होगा ही होगा। देखो यार सीधा ब्लैक मैं कहती नहीं मारूँ। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बहुत डार्क टोन आ रही थी, ब्लैक की थी वो, तो इसलिए वो माननी पड़ेगी कि दोनों साइज़ की शेडो भी तो आएंगी ना। इसलिए अभी मैं आपको पूरा दिखाती हूँ कि पूरा बन के कैसे लगेगा। वैसे तो आपने देख लिया होगा वीडियो के स्टार्ट में, मैंने आपको दिखा दिया था। इसी तरीके से करना है इसे। देखो ये फाइनली ऐसा बना है। आप थोड़ा लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।